वेलकम टू माई चैनल लेट्स शेयर विद मिली। और आप देख रहे हैं मुझे यानी मिली। तो आज ना मैं अपना ब्लॉग ना शायद अभी 4 बजने ही वाला है, अभी से स्टार्ट करिए। हम लोग को लंच में सब हो गया है और अभी मैं हूँ एक्चुअली, मेरे जैसे देखिए पीछे पूरा गार्डन है, यहाँ पे हूँ। और जैसे मैंने जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया है, आपने जैसे देखा है हम लोगों ने कुछ बीज लगाया है, मैं सब आपको बताऊँगी क्या है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, चलिए ये देखिए। मैं ये चीज़ आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ, ये है मेरा वो मेहंदी का पौधा। ये बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने और नी ने एक साथ मिल के एनवायरमेंटल डे के दिन लगाया था। इस टॉप में देखिए ये जो पौधा है, ये आ नहीं रहा था क्योंकि पौधा थोड़ा बड़ा हो गया था। और ये मेहंदी का पौधा है, इस पत्ते से ही मेहंदी होता है, तो ये बहुत बड़ा होता है। ये जो मतलब पौधा है, ये पेड़ बन जाता है, तो इस टॉप में नहीं आएगा ये, और ये फैल भी नहीं सकता टॉप में, तो मैंने पीछे का गड्ढे में लगा दिया। और यहाँ पे ये टॉप जो आप देख रहे हैं, इस टॉप में मैंने हस्बैंड को बोला था कि मिट्टी डाल देने के लिए, और उसने ही लगाया। तो मैंने यहाँ पे उससे कुकुम्बर का जो बीज है ना, मैंने कहीं पे देखा था यूट्यूब में, तो वहाँ कुकुम्बर का बीज डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के थोड़ा सा पानी छिड़क दो, तो वहाँ से पौधा निकल आता है। तो देखते हैं कुछ दिन रख के कि सच में निकलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो बीज है ना कुकुम्बर का, वो कुकुम्बर काट के मैंने निकाला, यहाँ पे लगाया, तो पता नहीं आएगा कि नहीं। देखते हैं ट्राई करके 3-4 दिन या 1 वीक की होता है कि नहीं। अभी मैं जा रही हूँ घर पे। आज तो बहुत लेट से मैंने शुरू किया मेरा ब्लॉग, तो मीर को भी सुला दिया है। जब मैंने पौधा मतलब जो बीज है वो जब मैं लगा रही थी, तो हम तीनों ही बाहर थे, तो उसे सुला के फिर मैं बाहर आई हूँ फिर से। तो आज है 5 सितंबर, यानी कि हैप्पी टीचर्स डे। तो सभी को, जितना भी मेरे टीचर्स हैं स्कूल में, जितने भी टीचर्स थे कॉलेज में, मेरे कंप्यूटर्स और मेरे जो सिंगिंग टीचर्स थे, हैप्पी टीचर्स डे सभी को, सब टीचर्स को। तो चलिए मैं चलती हूँ घर पे और आपसे बात करते करते जा रही हूँ। ये देखिए मेरा पूजा घर। मैं हमेशा आपको ना मेरा पूजा घर दिखाती हूँ, पता है आप लोगों को क्यों? इतना सारा फूल रहता है ना, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये जो मतलब पूजा घर है मेरा, ये टेम्पोररी है। बहुत कुछ मतलब अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ ठीक करना पड़ेगा। मैं सब करूँगी पर धीरे धीरे करूँगी। घर पर अगर बड़े कोई नहीं रहता है ना, बुज़ुर्ग कोई नहीं रहता है, तो प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत सब कुछ अरेंज करने में, पर धीरे धीरे अरेंज कर लूँगी मैं। और जब बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करूँगी ना, तब आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। पहला गुरु कौन होता है? जी हाँ, सबसे पहला गुरु होता है माँ। जब हम अगर पहला शब्द ही मुँह से माँ निकलता है, तो माँ से बढ़कर गुरु और दुनिया में मुझे लगता है कहीं भी नहीं होता है। हालांकि टीचर्स अपनी जगह है, टीचर्स तो टीचर्स ही होते हैं, और माँ का प्यार, माँ का डांट, माँ से जो सीखने को मिलता है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सभी। तो आज मैं और मेरे घर के सभी, मतलब पता नहीं, भाई तो स्काउट में गए हैं, वो आ पाएंगे कि पता नहीं। मैंने सोचा कि माँ के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती हूँ और टीचर्स डे माँ को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती, कोई टीचर्स के घर भी नहीं जा सकती। इस सिचुएशन में कहीं जाने का मन हो तो भी हम मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जाऊँ या ना जाऊँ। तो मैंने सोचा आज के दिन मैं अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना कंप्यूटर सेंटर, अपना सिंगिंग सेंटर, सभी कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो फोटो मैं आपको तो ज़रूर दिखाऊंगा। प्रिपरेशन के बाद करते हैं। तो अभी ना मैं सोच रही थी कि मैं केक ऑर्डर करूं या घर पे केक बनाऊं, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाई। अगर घर पे केक बनाऊंगी ना, मम्मी को पता चल जाएगा। और देखती हूँ, मैंने सोचा कि शायद मैं ऑर्डर कर दूं या जाके मैं केक लेके आऊं दुकान से। अगर मैं जाऊंगी ना केक लाने के लिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉग में। ये है हम लोगों का स्कूल, जैसे आप लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है स्कूल का नाम, और साइड में ये और एक स्कूल का ही बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे मेमोरीज है।
और ये है हम लोगों का कॉलेज, लिखा हुआ है मरियानी कॉलेज, ये कॉलेज का गेट है। और ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट, मेरा सब फ्रेंड्स और टीचर लोग बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ इस पिक्चर में व्हाइट कलर के सलवार में। ये है मेरा कंप्यूटर सेंटर, लिखा हुआ है आईटेक कंप्यूटर सेंटर। और ये है हम लोगों का कंप्यूटर सर, जो हम लोगों को कंप्यूटर सिखाते थे। ये है कंप्यूटर सेंटर के अंदर ही टीचर्स डे का फंक्शन जो चल रहा था, व्हाइट कलर स्वेटर में मैं भी हूँ। और ये है मेरा जो गुरु है सिंगिंग टीचर, वो बारिश हो रहा है, इतना बारिश में बाहर जा भी नहीं सकती केक लाने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मॉडिफाई करके ना घर पे बना लेती हूँ। देखती हूँ जैसे मैं सोच रहा है वैसे मतलब निकल के आता है कि नहीं, पर ट्राई करने में किया जाता है। तो चलिए किचन पे, और आपसे पूरा डिटेल्स में मैं क्या शेयर करूँ, आप सभी को शायद पता ही होगा कि कैसे बनाते हैं केक, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी। चार अंडी को मैंने तोड़ लिया है, मैं ऐड करूंगी चीनी, मैं दो छोटे ग्लास में चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए अभी इसे एक साथ फेंट लेंगे। इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लिया है चीनी को और एक को, अभी मैं चलनी में इसे छान लूँगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को। एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर दिया है और हाफ चम्मच से भी कम मैंने दिया है बेकिंग सोडा, मिला लूँगी अच्छी तरीके से एक और शुगर के साथ जिसे मैं फेंट के रखी थी, उसके साथ एक साथ मिला लूँगी। मिलाना हो गया, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। मैंने इसमें छोटे साइज़ का जो कप होता है उसमें मैंने 2.5 कप मैदा ऐड किया है और छान लूँगी अच्छी तरीके से। अभी इसे मिला लूँगी मैदे को, जो पहले जो एक और चीनी एक साथ फेंट के रखा था उसमें अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी, मैं 1 कप रिफाइंड ऑयल अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी, पूरा मैंने 1 कप लिया है रिफाइंड ऑयल। मिलाने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जो मिल्क होता है, थोड़ा सा गर्म किया हुआ मिल्क, ठंडा हो जाए तो वो मिल्क मैं ऐड करूंगी इसमें, क्योंकि जो रॉ स्मेल होता है एक का, वो एक का रॉ स्मेल चला जाएगा थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करूंगी। तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ये जो मिल्क है इसमें डाल के उसे भी हम एक साथ फेंट लेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है और बैटर का कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरीके से आ जाए। ये राइस कुकर में ना मैं रिफाइंड ऑयल लगा के रखी थी और एक पेपर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो सिंपल सा एक पेपर लिया और उसे अच्छी तरीके से राइस कुकर पे बिठा के उसमें भी ऑयल लगा लिया। और अभी हम उसे प्री हीट होने के लिए रख के आए हैं, जो है वो तैयार हो गया है, प्री हीट होने के लिए दिया है राइस कुकर को, हो जाए उसके बाद मैं इसे डाल दूंगी राइस कुकर पे। और एक बात, मैं ना सोच रही थी गुलाब जामुन ऐड करूंगी इसमें और थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करके डालूंगी गार्निशिंग के लिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है, पहले चढ़ा देती हूँ फिर देखती हूँ क्या होता है। हो गया है मेरा केक, अभी से हम निकालेंगे गार्निशिंग करेंगे, चलिए करते हैं केक डेकोरेशन करना, पर मुझे लगता है ना और अच्छा हो सकता था, दिखाती हूँ आपको। डर ही लग रहा है, ज्यादा कुछ करने के चक्कर में ना एकदम बेकार हो गया शायद, पता नहीं, खा के देखना पड़ेगा कैसा हुआ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए केक मेरा, मैंने चेरी ऐड करके लिखा है ये, और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऊपर नीचे में है, और ये है गुलाब जामुन। एक्चुअली ना मैंने सोचा था केक बनने में और टाइम होगा शायद, मैं तब ऐड कर दूंगी ये सब केक में और गुलाब जामुन थोड़ा अंदर चला जाएगा,
पर ना केक बन ही गया, जाके देख रही हूँ केक बन गया, तो फिर क्या करूँ, गुलाब जामुन का ऊपर मैं ऐसे डेकोरेट कर दिया, तो अभी केक कटिंग होगा। चलिए बना लेती हूँ, पर आइसिंग जो होता है ना वो मुझे करना नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँ आइसिंग भी, ताकि मैं भी अच्छी तरीके से मतलब जैसा मिलता है शॉप में केक वो मैं बना सकूँ। मैंने बनाया है पनीर की सब्जी अभी अभी, तो मेरा डिनर जो है वो लगभग बन ही गया है। आज मैं बनाई हूँ डिनर, तो आज और मन ने करा है कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग भी अच्छी तरीके से रहिए, सेफ रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।